नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर मंत्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलर मोशन में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपने सुना ही होगा F बराबर mv स्क्वायर बाय r, ये डिराइव करके दिखाऊंगा। काफ़ी सिंपल मेथड से मैंने ये डिराइव किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी यह डेरिवेशन पसंद आएगा और प्रूफ सहित आप समझ भी जाएंगे, आपका सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मेरा मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए v1 वेक्टर है और यहाँ पे मान लीजिए v2 वेक्टर है, तो सेंटर यहाँ है। मान लीजिए यहाँ से एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा, और जो यहाँ से बॉडी मूव किया है यहाँ तक आया है, तो मान लीजिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? तो डेल्टा वेक्टर v बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब आप देखिए एक चीज, ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा ये, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपको थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये राइट 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो पॉज करके एक बार गौर कर से देख ले। तो वेक्टर v1 आपको क्या हुआ, यहां वेक्टर v1 आपको हो जाएगा, मान लीजिए वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड बराबर v, तो वेक्टर v1 आपको हो जाएगा vi कैप और वेक्टर v2 हो जाएगा vcos θi कैप। इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग तोड़ेंगे हम लोग, v cos θ v sin θ प्लस v sin θ j कैप। तो डेल्टा वेक्टर क्या होगा, v cos θ - v i कैप प्लस v sin θ j कैप। अब मानते हैं कि थीटा बहुत छोटा हो गया, यानी यहाँ से बॉडी जस्ट इससे आगे मूव किया है, तो थीटा को जितना छोटा करेंगे, तो अगर थीटा फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा बराबर थीटा एंड कॉस थीटा बराबर 1, ये आप नोट करके रख ले, आपको ये पढ़ना भी है 12th में फंक्शन में। तो साइन, अगर थीटा का वैल्यू टेंस, अगर थीटा टेंस टू 0 then sin theta becomes equal to theta and cos theta becomes equal to 1. तो ध्यान में रखिए ये बात। तो v cos θ, तो cos theta का हम वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा फॉर स्मॉल थीटा, तो v - v i कैप प्लस v sin θ फॉर स्मॉल थीटा sin theta equal to theta, तो v θ j कैप, तो ये आ जाएगा v θ j कैप। तो चेंज है जो वेलोसिटी वेक्टर का, अब यहाँ थीटा घटते 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 क्योंकि यहाँ पे आ गया है, तो इसका चेंज आपको वाई डायरेक्शन में होगा, तो इसका चेंज आपको सेंटर के तरफ होगा। वेलोसिटी वेक्टर का जो चेंज होगा वो सेंटर के तरफ होगा। अब हमको निकालना है, तो आप डेल्टा वेक्टर भी बराबर v θ j कैप ऊपर की तरफ। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो थीटा बराबर आपको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या बोलूँ, तो आपको आ गया डेल्टा वेक्टर v बराबर v θ j कैप। अब हम लोग को थीटा निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा v बराबर v θ j कैप, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा था, तो यहाँ पे डेल्टा हटा के हम लोग उसको लिख देंगे dv, आप समझ गए। तो dv अब हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपको
डी वी डी वैक्टर वी बाई डी टी, तो ये आपको हो जाएगा वैक्टर वी इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी आपको हो जाएगा ओमेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर ओमेगा, मतलब आपको ये तो पता होगा थीटा बराबर होता है एल बाई आर, तो डी थीटा बाई डी टी आपको हो जाएगा वी बाई आर, डी वन बाई आर इंटू डी एल बाई डी टी, तो डी एल बाई डी टी मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो डी एल बाई डी टी को हम लोग सीधा वी भी लिख सकते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी बराबर वन बाई आर इंटू वी, तो यहाँ पे आप सीधा एक्सेलरेशन ए बराबर वेक्टर वी इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या है वी बाई आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो एक्सेलरेशन आ गया आपको वी स्क्वायर बाई आर, और ये आपको हो जाएगा जे कैप, इसको आप वेक्टर का वैल्यू हटाकर जे कैप भी डाल सकते हैं जे कैप, तो ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर जे कैप, तो आपको मतलब फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर जे कैप, जे कैप का मतलब है कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये था प्रूफ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा यह कंसेप्ट किस प्रकार फोर्स ऑफ फोर्स इन सर्कुलर मोशन आता है। बहुत लोग सोचते हैं केमिस्ट्री में कि फोर्स ये जो सेंटर की तरफ लगता है ये आपको बैलेंस कर दिया जाता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से, केमिस्ट्री में ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन असल में ये स्यूडो फोर्स नहीं है, ये ओरिजिनल फोर्स है, एक ही फोर्स लगता है वो है सेंटर की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, एक नई नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।